दोस्तों, आज का जो अपडेट है वो है LCA तेजस के रिगार्डिंग। जैसे हमें पता है कि LCA मार्क 1A की डिलीवरी इस साल मार्च एंड से स्टार्ट होनी थी, बट अनफॉर्चुनेटली वो कुछ कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन इश्यूज की वजह से डिले हुई, और उस टाइम HAL के अकॉर्डिंग LCA की डिलीवरी में 4 से 5 महीनों का डिले बताया गया था। और अभी रिसेंट अपडेट के अकॉर्डिंग HAL मार्क 1A की पहली यूनिट को 15 अगस्त तक डिलीवर करेगा। नाउ कुछ टाइम पहले HAL की तरफ से ये कहा गया था कि फरवरी या मार्च 2025 तक हमारा 16 यूनिट्स डिलीवर करने का टारगेट है, बट हमें ये भी पता है कि HAL की टाइमलाइंस कोई ना कोई कारण की वजह से चेंज होती रहती हैं। डिलेज मेनली दो रीजंस के कारण होते हैं, पहला टेक्निकल इश्यूज और दूसरा कॉम्पोनेंट्स की प्रोक्योरमेंट के कारण। नाउ टेक्निकल इशू कंट्रोलेबल इशू है क्योंकि उसको लोकली ही ठीक किया जाना है और HAL की फैसिलिटी में ही उसको देखा जाएगा। बट अगर कोई पार्ट की डिलीवरी टाइम पर नहीं होती तो उसके बिना तो एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पॉसिबल ही नहीं है। और अगर LCA की बात करें तो इसमें यूज़ होने वाले बहुत सारे पार्ट्स को HAL इम्पोर्ट करता है, और अगर कोई भी क्रूशियल कॉम्पोनेंट की प्रोक्योरमेंट में डिले होता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट एयरक्राफ्ट की डिलीवरी पर ही पड़ता है। नाउ तेजस की फर्स्ट यूनिट की डिलीवरी में जो डिले के रीजंस सामने आए हैं उसके कुछ सॉफ्टवेयर रिलेटेड इश्यूज हैं और कुछ स्मॉल बट क्रिटिकल कंपोनेंट्स की सप्लाई चेन के इश्यूज, जिसकी वजह से इसकी डिलीवरी की टाइमलाइंस कई बार चेंज हुई। नाउ ये थी बात LCA की फर्स्ट यूनिट की, बट अगर LCA मार्क 1A के ओवरऑल डिलीवरी शेड्यूल की बात करें, जैसे हमने बात की कि मार्च 2025 तक HAL IAF को 16 तेजस डिलीवर करने के लिए कमिटेड है, बट इसमें जो मेन इशू है वो है तेजस का इंजन। LCA में जो इंजन यूज़ किया जा रहा है उसको इंडिया अमेरिका से प्रोक्योर कर रहा है, और अमेरिकन जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा इन इंजन्स को इंडिया को सप्लाई किया जा रहा है। इस टर्बोफैन इंजन का नाम है GEF-404, जो आफ्टर बर्नर्स के साथ एयरक्राफ्ट को 78 से मैक्सिमम 84 किलो न्यूटन्स तक की थ्रस्ट प्रोवाइड करता है। नाउ तेजस का डिलीवरी शेड्यूल इन इंजन्स की सप्लाई पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जनरल इलेक्ट्रिक HAL को 404 इंजन्स की डिलीवरी सितंबर अक्टूबर से स्टार्ट करेगा और हर महीने 1 से 2 इंजन्स की डिलीवरी होगी। बट HAL द्वारा इसके रिगार्डिंग GE के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत जारी है ताकि इंजन्स की सप्लाई को फास्ट किया जा सके और हर महीने कम से कम 2 से 3 इंजन्स प्रोक्योर किए जा सकें और ओवरऑल डिलीवरी शेड्यूल पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े। बता दें कि डिफेंस मिनिस्ट्री ने 83 LCA मार्क 1A का ऑर्डर 2021 में प्लेस किया था, और ये प्रोजेक्ट करीब 48,000 करोड़ का है। इस ऑर्डर की कंप्लीट डिलीवरी 2027-2028 तक एक्सपेक्टेड है। अभी करंटली HAL एक साल में 16 LCA डिलीवर कर सकता है, बट 2026 से हर साल 24 LCA डिलीवर करने का टारगेट है। बट इसमें भी प्रोडक्शन कैपेसिटी ही सिर्फ मैटर नहीं करती, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की कि पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स की सप्लाई का इशू भी बहुत क्रिटिकल है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इंजन्स की सप्लाई है, क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक 1 से 2 इंजन्स पर मंथ के हिसाब से एक साल में मैक्सिमम 24 इंजन्स ही डिलीवर कर सकता है, बट ये मैक्सिमम कैपेसिटी है, इसको हम लिटरली नहीं ले सकते। नाउ इस प्रेस्टिजियस MK-1A वेरियंट्स की प्रोडक्शन को IAF के टॉप ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग एयरफोर्स के चीफ द्वारा क्लोजली मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि उनके द्वारा HAL को दी गई स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंगली ही इन फाइटर्स की डिलीवरी हो। प्रीवियस MK-1 वेरिएंट के कंपैरिजन में इस एडवांस्ड वेरिएंट में 40 से ज़्यादा अपग्रेडेशंस की जाएंगी, जिसमें एयर टू एयर रिफ्यूलिंग, नए रडार्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट, एडवांस्ड वेपन्स और कई तरह की अपग्रेडेशंस इंक्लूडेड हैं। अभी रिसेंटली डेप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ने भी इस प्रोग्राम को रिव्यू करने के लिए HAL के हंगार्स की विजिट की थी। इस होल LCA प्रोग्राम को इंडियन गवर्नमेंट, डिफेंस मिनिस्ट्री और एयर हेडक्वार्टर्स की पूरी सपोर्ट है, और ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है, दैट इज़ मेक इन इंडिया एंड प्रमोट इंडिजनाइजेशन। इंडियन गवर्नमेंट का डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो अनदर ऑब्जेक्टिव है वो है HAL की रिवाइवल, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री बैक टू बैक ऑर्डर्स प्लेस कर रही है, चाहे वो फाइटर्स हों या फिर हेलीकॉप्टर्स। अभी रिसेंटली ही डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा HAL को 65,000 करोड़ का एक और टेंडर इशू किया गया था, जिसके अंडर IAF एडिशनल 97 LCA मार्क 1A एक्वायर करेगी, और इसका कॉन्ट्रैक्ट इस साल के एंड तक HAL को दिया जा सकता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग LCA मार्क 1A की फर्स्ट यूनिट की इंडक्शन सेरेमनी में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को भी इन्वाइट किया जा सकता है, और पहली यूनिट की कमीशनिंग के बाद IAF इन एडवांस्ड LCAs की फर्स्ट स्क्वाड्रन को मार्च 2025 तक
फुली एस्टैब्लिश कर सकती है।